जब टाइटैनिक जहाज बनके तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला जहाज था। यह 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 प्लेग्राउंड जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। टाइटैनिक जहाज के अंदर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। और आज हम उसी टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था और RMS का मतलब है रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। फैक्ट नंबर 2, टाइटैनिक को नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना स्टार्ट किया था। 26 महीने बाद 31 मई 1911 को यह बनके तैयार हुआ था। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट आई थी और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। 31 मई 1911 को जब ये बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग जमा हुए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $10 मिलते थे और अकुशल कारीगर को $5 मिलते थे एक हफ्ते के। फैक्ट नंबर 4, 10 अप्रैल को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था और यह रास्ते में 2 जगह रुका था, शीरबर्ग नॉर्थन फ्रांस में और कोब आयरलैंड में। सफर के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया था। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था और इसकी पहली यात्रा ही इसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, इतिहास में टाइटैनिक एक अकेला ऐसा जहाज था जो कि आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराने से डूबा था। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में बर्फ के एक बहुत बड़े टुकड़े से टकरा गया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फैक्ट नंबर 6, जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग के बारे में मालूम पड़ा तब उनके पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 37 सेकंड थे और तब ऑफिसर्स ने जहाज़ को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था और जहाज़ को लेफ्ट मोड़ भी लिया गया था। पर ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। अगर इसी बात का पता 30 या 40 सेकंड और पहले लगा होता तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। फैक्ट नंबर 7, जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तब उसने एक इमरजेंसी सिग्नल भी भेजा था और उस समय एक कैलिफोर्नियन नाम का जहाज़ उसके सबसे करीब था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर ख़राब हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि अगर कैलिफोर्नियन जहाज़ का रिप्लाई आ जाता तो और भी ज़्यादा जान बचाई जा सकती थी। फैक्ट नंबर 8, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2,222 लोग सवार थे जिनमें से 1,314 यात्री थे और 908 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 1,500 से ज़्यादा लोग डूब गए थे और 706 बच गए थे और इनमें से सिर्फ 337 लोगों की ही लाश मिली थी। फैक्ट नंबर 9, टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश ज्वेलरी समेत सब मिलाकर $60 लाख का सामान था। फैक्ट नंबर 10, फुली लोड होने के बाद इस जहाज़ का वजन लगभग 53,310 टन था। इसके बाद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। फैक्ट नंबर 11, टाइटैनिक में एक दिन में लगभग 500 से 600 टन कोयला जलाया जाता था और इससे निकली 1 लाख किलो राख समुद्र में मिलाई जाती थी। फैक्ट नंबर 12, सन 1985 में आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। यह समुद्र से 12,600 फीट की गहराई पर मिला। फैक्ट नंबर 13, अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं पर वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। फैक्ट नंबर 14, टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहरा झटका लगा था क्योंकि इसमें सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर लोग इंग्लैंड में थे। जॉन जैकब एस्टोन जो कि जहाज़ पर सबसे अमीर व्यक्ति थे वो भी इंग्लैंड के ही थे
उस समय उनकी कुल संपत्ति $85 मिलियन से भी ज़्यादा थी। फैक्ट नंबर 15, 1997 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था टाइटैनिक, और इस मूवी का बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज़्यादा था। जहाज को बनाने में $75 लाख लगे थे, वही मूवी का बजट $20 करोड़ था, और इस मूवी ने $2 अरब की कमाई की थी। इतने पैसे में आज के टाइम में 5 टाइटैनिक जहाज बनाए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, टाइटैनिक मूवी ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, पर इसमें से एक भी अवार्ड एक्टिंग के लिए नहीं था। फैक्ट नंबर 17, उस समय जहाज में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए $4,350 लगते थे, सेकंड क्लास में सफ़र करने के लिए $60 और थर्ड क्लास में सफ़र करने के लिए $30 लगते थे। फैक्ट नंबर 18, मिलविना डीन जो कि टाइटैनिक दुर्घटना में जिंदा बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी, और ये 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई। ये टाइटैनिक जहाज पर सबसे छोटी थी, उस वक्त उनकी उम्र केवल और केवल 2 महीने थी। तो फ्रेंड्स, आज के फैक्ट यहीं ख़त्म होते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।